हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है HSSC क्लर्क भर्ती का रिजल्ट आया है रिटर्न का, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ सभी बच्चे कमेंट करें कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो थोड़ा सा आइडिया जो आप लोगों ने ही बताया है उसके हिसाब से यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से कुछ आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। और दोस्तों, कई बच्चों के रोल नंबर गुम हो चुके हैं, वे अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं ये इस वीडियो में होने वाला है। तो पहले मैं आपको बिना रोल नंबर आप रिजल्ट कैसे देखोगे वो बताने वाला हूँ, उसके बाद में हम थोड़ा बहुत कट ऑफ डिस्कस करेंगे। यदि आप जाना चाहते हैं पूरी डिटेल को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में होना कन्फर्म है। तो यदि आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप मैथ का कोर्स, जो आपको ये टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, सभी लेटेस्ट टॉपिक हैं जो HSC के एग्ज़ाम में, क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और आगे पुलिस के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आ सकते हैं। यदि आप ये सभी टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो अपने ऐप पर ये सभी टॉपिक की क्लास आ चुकी है। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अपने ऐप का नाम है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप को डाउनलोड करने का। तो जाइए और ऐप को डाउनलोड करके इसके लिए आप इस कोर्स के लिए आप इस जो ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिना रोल नंबर आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। बहुत सारे साथियों के रोल नंबर गुम हो चुके हैं, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या अपने ऐप पर आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करोगे ना, जैसे ये लिंक है, ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र संख्या, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये दो चीज़ डाल के आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना, आपका जो एडमिट कार्ड जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करके ही। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दिया। उसके बाद में हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये आपकी डिटेल आ गई, संतोष क्लर्क, और यहाँ पर क्लिक करके क्लिक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी आपको सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो आपका रोल नंबर है आपको दिख गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो अपना रोल नंबर है क्लर्क भर्ती का वो निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि बिना रोल नंबर आप रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी जो रिजल्ट आया ना वो 90 में से, आप सभी को पता होगा, ठीक है। इसमें यदि अभी की हम बात करें कि अभी जो कट ऑफ है वो क्या रही है, तो अभी लगभग है दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने कमेंट किया है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि उनके ज़्यादा नंबर होने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनका कम होने पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो यदि हम ये नॉर्मली बात करें कि जनरल में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 61-62 नंबर है तो कमेंट करें कि उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं वो बता रहे हैं कि 65 है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा होने पर क्यों हुआ है और कम होने पर क्यों हुआ है। कुछ BCA के ऐसे हैं कि 58-59 के आसपास हैं तो वो कमेंट करें कि उनके हुआ है, ठीक है। कुछ BCB के हैं जो बता रहे हैं कि 61 के आसपास है और उनका सिलेक्शन हो गया है। SC की यदि हम बात करें तो 55 के आसपास यदि आपके नंबर हैं तो आपका होना चाहिए या हो जाना चाहिए था, ठीक है। इस तरह के कमेंट आए हो कि 55 वाले हैं मेरे पास, कमेंट करें। 54 वाला भी एक कैंडिडेट है जिसने बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है। और EWS में यदि बात करें तो लगभग EWS की जो रही है वो 63-64 के आसपास बताई जा रही है साथियों के द्वारा ही, ठीक है। ये तो है अभी की कट ऑफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि फाइनल में क्या रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उससे पहले बताना चाहूँगा जो ज़्यादा नंबर है उनका क्यों नहीं हुआ और जिनके कम नंबर है उनका क्यों हुआ है। दोस्तों, HSC क्या करता है, अंदर रिवाइज्ड आंसर की निकालता है। कई बार 90% भर्तियों में ऐसा होता है कि वो रिवाइज्ड आंसर की निकालता है लेकिन साइट पर नहीं डालता है। तो रिवाइज्ड आंसर की निकालता है ना, तो जैसे किसी कैंडिडेट के पहले 58 नंबर थे, उसके हो सकता है 2-3 नंबर बढ़ गए हो, 58 के बजाय उसके कितने हो गए, 61-62 हो गए होंगे, लेकिन जो अभी वो बताएगा वो तो बताएगा कि 58 है, उसका सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। लेकिन उसके ओरिजिनल कट ऑफ क्या है वो हो सकती है भाई वो 61-62 पे लगी हो, उसके 2-3 नंबर बढ़े हो, इसलिए उसका 61-62 क्राइटेरिया पूरा कर दिया और वो सिलेक्शन हो गया हो,
और जो कह रहा कि मेरे 65 थे उसका नहीं हुआ, तो दोस्तों रिवाइजन स्वर्ग के तहत आपके कम भी तो हो सकते हैं ना। तो हो सकता है जिसके 65 बन रहे थे उसका 2-3 नंबर कम हो गए हो और वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो गया, इसलिए उसका ना हुआ हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, इसीलिए जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ज़्यादा होने पर नहीं हुआ, ये रीज़न दोस्तों होने का और ना होने का। अब यहाँ पे जो 1-2 नंबर है दोस्तों, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ क्योंकि कई जो कैंडिडेट कमेंट करें उनके हिसाब से मैंने आपको बताई है। अब जो आगे की हम बात करते हैं कि फाइनल में क्या रह सकती है, तो फाइनल में दोस्तों आप मिनिमम इसमें 5+ और करके देखो, क्योंकि जो अलग क्राइटेरिया है ना, जो विमुक्त जाति वाला है या फिर जो फादरलेस है, ये क्राइटेरिया कम लोग पूरा करते मिलेंगे, है ना। लेकिन जो जॉब वाला क्राइटेरिया है वो लगभग सभी करता मिलेंगे, कि सभी के परिवार में ऐसे, मतलब मैक्सिमम मिलेंगे आपको, मिलेंगे कुछ पुख्ता चीज पता लग, है ना, वो मैक्सिमम मिलेंगे आपको। तो इसलिए यहाँ पे आप 5+ करके देखिए, और यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जा रही है उसमें आप मिडिल की जो कट ऑफ है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 61 का हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 65 का हुआ है, तो यहाँ पे जो बीच की है जैसे 63-64 है, इसके प्लस में 5 कर लीजिए। आपका जो सिलेक्शन यदि आपके यहाँ 5 तक है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को सेफ मान सकते हैं, 99% दोस्तों कन्फर्म कहीं से नहीं निकलेगी, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो कमेंट कुछ बता रहे हैं कि इतने का भी हुआ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डाउट रहता है। और आपकी कट ऑफ है वो 5+ करके आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, कन्फर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पूरी अपडेट, और जिसका रोल नंबर नहीं था उसको पता चलेगा रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो यदि आपको पसंद आई है, आपको सही लगता है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अपने चैनल पर मैराथन क्लास लगती है हर सब्जेक्ट की, और इस संडे से आपके लिए मैराथन क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मैराथन क्लास फ्री में मिलती रहेगी, ठीक है। और यदि आप ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने का, जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। धन्यवाद।